मुख्य अधिकारी नगर परिषद व तहसीलदार हिंगनघाट प्रशासक को आज योजना के अनुसार सड़क निर्माण के संबंध में पूर्व पीड़ित क्वार्टर यशवंत नगर एवं क्षेत्र के नागरिकों ने दिया निवेदन। नगर परिषद के माध्यम से दलित बस्ती सुधार योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से भाले से कड़स्कर तक बहुप्रतीक्षित सीमेंट सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। क्वार्टर लाइन की एकमात्र प्रमुख सड़क है। जब इस सड़क का लेआउट दिया गया था तब यह सड़क शहर की ओर मिलिन मोटर्स के बगल में भाले और भाले इनके इमारत के पास से सामने शहरी रोड से जुड़ जाएगी। ये कहा गया था कि उसी के अनुसार ठेकेदार को मार्किंग भी दी गई थी, लेकिन क्या पता था कि सड़क को सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है। उसके लिए नेशनल हाईवे द्वारा बनाए गए नाले को भी फोड़ दिया गया है। अगर यह सड़क सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाती है तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों के कारण दुर्घटना का खतरा होता है। साथ ही अगर परिसर में रहने वालों को शहर जाना है तो हमें पहले हाईवे पर वापस जाना होगा, जो परिसर के नागरिकों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। खासकर वरिष्ठ नागरिकों और स्कूली बच्चों के लिए इस तरह से रोड निर्माण हुआ तो सुविधा हो सकती है। इसके लिए योजना के अनुसार रोड बनाने की मांग का निवेदन परिसर के नागरिकों ने दिया है। इस वक्त पूर्व पार्षद छायाताई सातपुते, दीपक मुंडे और परिसर के नागरिक उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से कैमरा पर्सन योगेश लखोटे के साथ रवि येनोरकर की रिपोर्ट।